हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों, आज आपको मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं। दोस्तों, दो प्रकार से सीखना होता है। एक तो आप सीखकर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक आप नॉर्मल सीखना चाहते हैं जिससे केवल आपका काम निकल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको एक्सपर्ट के रूप में सिखाने वाला हूँ, तो आप सभी ध्यान से सीखें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी कंपनीज में, ऑफिसेज में, डॉक्यूमेंट्स, ब्रोशर्स, लेटर्स, रेज्यूम में, करिकुलम वीटा, बायोडेटा आदि बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल मेलिंग्स के लिए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सेव रखने के लिए आदि में किया जाता है। मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है किसी भी प्रकार का, तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे? सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और आज की इस टेक्निकल दुनिया में, इस स्किल्ड दुनिया में अगर हम बात करें, तो जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत पीछे हूँ इस टेक्निकल दुनिया से। तो मैं आज आप लोगों को इसी के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सभी चीज़ें टॉपिक बाई टॉपिक बताने वाला हूँ और एक्सपर्ट के रूप में आपको मैं ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ध्यान दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और भी बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियोज़ देखे होंगे, पर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिनमें उन्होंने कम्प्लीटली जो है पूरा वीडियो में ही कवर कर दिया, एक ही वीडियो में कम्प्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर कर दिया। मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला, आपको टॉपिक बाई टॉपिक वीडियोज़ में आपको बनाकर सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझें और एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहें और अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें और आप बेहतर सीख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब, ठीक है, और इसके कुछ बेसिक्स। ठीक है, ध्यान दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर जो हम देखते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला क्लाइंट, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार जो होता है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाई देता है, जैसा जैसे इसका नाम है डॉक्यूमेंट वन। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे मैं कहता हूँ QAT। QAT इसे हम कह सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कुछ सिंपल ऑप्शंस होते हैं लाइक सेव, अंडू, रीडू आदि ऑप्शंस। क्या क्या काम में आते हैं हम सीखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इधर फाइल मेन्यू आपको दिख रहा है, फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो फाइल मेन्यू में आपको जो क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है। इस स्क्रीन को हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं, बैक स्टेज व्यू, जिसमें सेव का ऑप्शन है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट एंड एग्जिट आदि ऑप्शंस हैं। मैं आपको बिल्कुल एक एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं। अगर आपको अन्य नाम से या दूसरी जगह पर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो फिर आप सेव एज करेंगे, इसके लिए आप F12 बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों आपको इसमें इस अपने ट्यूटोरियल वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताई है। तो अगर आप एक्सपर्ट के रूप में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिए और रेगुलर सीखिए। आगे हम चलते हैं, ओपन। ओपन का यूज़ अगर हमने कोई फाइल पहले बनाकर सेव कर रखी है, उसको खोल कर देखना चाहते हैं, तो इसका हम यूज़ करेंगे। क्लोज बंद करने के काम में आता है। रिसेंट, जो हमने लास्ट टाइम फाइलें बनाई उनके नाम इसमें खुल जाएंगे। न्यू, नई फाइल खोलने के काम में आता है। कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट होता है। देन प्रिंट का कंट्रोल पी शॉर्टकट होता है। और एग्जिट, अगर हमें बाहर निकलना हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये था फाइल मेन्यू, जिसमें न्यू, सेव, सेव एज आदि ऑप्शंस यूज़ में होते हैं। अगर आपको जो भी इनमें से यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू, रीडू जैसे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अंडू रीडू क्या होता है आप समझ लीजिए, अंडू क्या होता है, आपने यहाँ पर जैसे QAT लिखा, मानो गलती से ये डिलीट हो जाता है, गलती से आपने इसको डिलीट, आप कुछ और कर रहे थे, हो गया ये, तो वापस लाना आप चाहते हैं, तो अगर आप वापस लाना चाहते तो आप यहाँ से अंडू कर दें। अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, आप कंट्रोल के साथ जेड बटन भी दबा सकते हैं, वापस आ जाएगा। आप इसे वापस भेजना चाहते हैं, वापस चला जाए, तो फिर आप रीडू करेंगे, ठीक है, रीडू से वापस चला जाएगा। कंट्रोल वाई शॉर्टकट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऑप्शन थे जो हमने सीखे। आगे हम बात करते हैं होम टैब की। दोस्तों, होम टैब के बारे में आप ध्यान से समझना। अब मैं आपका वीडियो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ होम टैब से। होम टैब को सिंपली अलग अलग कमांड्स के रूप में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूँ, पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप ये वाला है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर दिया गया है। चार इसमें ऑप्शन हैं ओनली क्लिपबोर्ड ग्रुप। मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब को टोटली पांच ग्रुप्स में विभाजित किया गया, टोटल पांच भागों में बांटा गया है। दोस्तों ध्यान से समझना, कितने ग्रुप हैं? पांच ग्रुप, वेरी गुड। आगे हम चलते हैं, दूसरा ग्रुप इसका फॉन्ट ग्रुप, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल एंड पाँचवा एडिटिंग। ऐसे करके इसके पाँच ग्रुप है। मैं वापस रिपीट करूँगा, पाँच ग्रुप कौन कौन से? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, पांच ग्रुपों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा अगर आप पूरी मेरी बातें सुन रहे हैं तो, कि जैसे कि आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसी प्रकार इसको फील करेंगे। अब हम चलते हैं, होम टेप को कितने भागों में बांटा गया, 5 भाग। आप बोलिए कितने भागों में, मन में बोलिए 5 भाग, ठीक है। क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन है कट कॉपी एंड पेस्ट, क्या काम में आता है ध्यान से समझे। मैं इसमें एक पैराग्राफ निकालता हूँ और उसके बाद इसके जो है आपको सिखाता हूँ। पैराग्राफ कुछ अगर इसमें फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लेना चाहिए कुछ भी, तो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ इसमें आता है बराबर, यानी इजिक्वल्स टू RAND, ठीक है, रेंड, देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ऑफ करना है, शिफ्ट के साथ 9 एंड 0 आपको दबाना है कीबोर्ड में, ब्रैकेट ऑन ऑफ हो जाएगा, इजिक्वल्स टू RAND रेंड करना है, ब्रैकेट ओपन, ऑफ और एंटर। आप जैसे ही करेंगे आपके सामने डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर खुल जाएंगे। इन पैराग्राफ्स को हम अगर सेलेक्ट करना हो तो माउस की सहायता से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है कट, कट ऑप्शन का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, Ctrl+X कट यानी काटने के काम में आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से कट जाएगा। अब आप इसे दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, जैसे सबसे नीचे लाना हो आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो ये था कट पेस्ट। कट पेस्ट में क्या होता है, एक जगह से कोई भी टेक्स्ट कट के और दूसरी जगह मूव हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं, आपसे अगर पूछ लिया जाए, आप समझिए इस बात को, आपको बोला जाए कि यहाँ से पहला पैराग्राफ जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसको यहाँ से काटना है, काटने के बाद इसको आप जो है सबसे नीचे जो है पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में लेकर जाइए। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कट करेंगे, देन कट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से कट चुका है। अब कहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ पर कर्सर रखेंगे, देन आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि पहला पैराग्राफ वहाँ से कट के नीचे आ चुका है, ठीक है। आगे हम चलते हैं कॉपी पेस्ट, यानी अगर आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया आपने और इसका कॉपी बनाना चाहते हैं एक और, तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक करें, देन आप नीचे आएँ यहाँ पर, और उसके बाद सबसे नीचे आने के लिए यहाँ पर आप रखें, उसके बाद एंटर बटन दबाकर नया पैराग्राफ ले लें, देन आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो पहला पैराग्राफ था वो ऊपर भी है और यहाँ पर टू चेंज वाला यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो गया है, ठीक है, जैसे फर्स्ट में है वो लास्ट में आ चुका है, ये टू चेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन ये वापस कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये था कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। Ctrl+C यानी कॉपी, Ctrl+V यानी पेस्ट और Ctrl+X यानी कट, ठीक है, शॉर्टकट्स है। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर पहले हम फॉन्ट को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। आगे हम चलते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। इसको सेलेक्ट हमने किया, सेलेक्ट करने के बाद एक्सपर्ट के रूप में मैं आपको बताऊं, सेलेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको केवल एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ओनली जैसे चेंज ओनली इतना सा सेलेक्ट करना है, तो आप डबल क्लिक इसके ऊपर माउस से कर दें, ओनली ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लाइन के सामने एक बार माउस से क्लिक कर दें, पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ एक ही बार में सेलेक्ट हो, तो यहाँ पर 2 बार क्लिक करें, इधर पैराग्राफ के सामने जाएँ यहाँ पर लेफ्ट साइड इंडेंट में, देन यहाँ पर मार्जिन के अंदर 2 बार क्लिक करेंगे, आपको पूरा ये जो है पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 3 बार क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, देन अगर आपको इस प्रकार इधर से सेलेक्ट करना हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। हम चलते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है लिखने की स्टाइल, लिखने का स्टाइल बहुत काम में आता है दोस्तों। अगर आप बिगनर हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर, या फिर आप एक्सपर्ट भी होंगे, आपको आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता भी है, ध्यान रखना आप एक एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजर कैसे बनेंगे। आपको फॉन्ट जो ऑप्शन है वो अच्छे से आना चाहिए, मतलब फॉन्ट्स का यूज करना आना चाहिए, कौन सा फॉन्ट क्या जो है उसकी स्टाइल कैसी होती है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ें अगर आपको आ गई तो आई थिंक आप डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स हैं, आपको जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखें आपने ये प्रकार की फॉन्ट ली तो आप देखेंगे ये थोड़ा चेंज यहाँ पर फॉन्ट आपको लग रहा है, थोड़ा जो अच्छा भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट्स बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होता है डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस को प्रदर्शित करने के लिए। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार के बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉन्ट साइज़ पर। फॉन्ट साइज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फॉन्ट साइज़ सबसे कम 8 यहाँ पर दिया गया है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर 72 दिया गया है। इनके बीच में हम जितना भी फॉन्ट साइज़ करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉन्ट साइज हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट कितना होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कितना फॉन्ट साइज़ होता है, 11, या फिर नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो 11 और 12 दो फॉन्ट साइज़ में बनते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं ना, या 11 में या 12 में, दो फॉन्ट साइज़ में बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने ये फॉन्ट साइज़ की। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर सबसे कम तो 8 है, सबसे ज़्यादा बेहतर है क्या, इतना ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्या? मैं बोलूँगा बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 72 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपको 80 करना है तो आप यहाँ पर 80 लिखेंगे, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ 80 हो जाएगा, ठीक है।
देन अगर आप यहाँ पर कितना करना चाहते हैं वापस से 15 करना चाहते हैं आप 15 कर दीजिए, देन आप एंटर करिए, हो जाएगा। ये होता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट साइज को ग्रो करना, बढ़ाना। श्रिंक फॉन्ट होता है कम करना। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएं, देन ग्रेटर देन का साइन लगाएं, ये काम करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट में फॉन्ट साइज कम होता है, इसमें बढ़ता है ग्रो फॉन्ट से, श्रिंक फॉन्ट से कम होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये वाला ऑप्शन है, इसमें चेंज केस है। चेंज केस का मतलब जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे थे और गलती से आपको बड़े अक्षरों में लिखना था, ठीक है, और आपने टोटली छोटे अक्षरों में लिख दिया उसको, तो आप यहाँ से चेंज केस में बदल सकते हैं। अपर केस करेंगे सारे बड़े लिख जाएंगे, देखिए आप पूरे कैपिटल्स में यहाँ पर लिख गया है। देन आप क्या करेंगे, अगर सेंटेंस केस करेंगे तो केवल पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे रहेंगे। आगे हम बात करते हैं लोअर केस में, सभी स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे, ठीक है, लोअर केस में से चेंज हो जाएंगे। अपर केस में सभी बड़े हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट के जो सभी वर्ड्स हैं उनका पहला पहला जो कैरेक्टर है उनको कैपिटल कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर सभी का पहला पहला कैरेक्टर यहाँ पर कैपिटल हो चुका है, ठीक है। देन आगे हम चलते हैं टॉगल केस। टॉगल केस में सभी का पहला पहला कैरेक्टर जो है स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। इस प्रकार इसमें चेंज केस से आप चेंज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आपका ये है बोल्ड। बोल्ड क्या काम में आता है, आपके अगर डॉक्यूमेंट को डार्क करना है, थोड़ा गहरा दिखाना है डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसको गहरा दिखाना है, डार्क दिखाना है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे बोल्ड का। इटैलिक, इटैलिक यानी तिरछा अगर आपको दिखाना है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन अगर आपको नीचे अंडरलाइन लगाना हो इसमें तो इसका इस्तेमाल करेंगे, अंडरलाइन लगाना, इटैलिक देन अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू में आप बीच में से काट सकते हो टेक्स्ट को, देखिए इस प्रकार, जैसा कि आपके बीच में लाइन खींचनी है, मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ से चूज़ न्यू थीम इतना सा आपको बीच में लाइन खींचना है तो आप इस पर लगा दीजिए, देखिए आप इसमें ये लग चुका है। अगर मैं शॉर्टकट्स की बात करूं तो बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल बी होता है, इटैलिक का कंट्रोल आई होता है, और अंडरलाइन का कंट्रोल यू होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट नहीं होता। देन हम आगे चलते हैं सबस्क्रिप्ट पर। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, अगर आपको, मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, जैसे मैं जूम करके, यहाँ पर आपने लिखा 10 के बाद TH लिखते हैं, TH आप ऊपर लिखते हैं नीचे लिखते हैं, अब आप बोलेंगे सर ऊपर लिखते हैं अपन, तो इसको TH को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये 10th में TH ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको हटाना हो तो हम हटा भी सकते हैं। आगे चल रहे हैं, अपने को यहाँ पर लिखना है H2O, और इसको हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, नीचे लगाना है तो हम सबस्क्रिप्ट लगा देंगे इस प्रकार। तो ये हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ जो है, नॉर्मल टेक्स्ट को, जो एक टेक्स्ट होता है उसको, सिलेक्टेड टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर या फिर नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, हटाना हो तो हम हटा भी सकते हैं। आगे चलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। ये जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया इसके ऊपर आप अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स लगा सकते हो, लाइक इस प्रकार का इफेक्ट लगा सकते हो, इस प्रकार का इफेक्ट लगा सकते हो, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये इफेक्ट्स आपके डॉक्यूमेंट को बेटर बनाने के काम में आता है। जैसे आपको हेडिंग टाइटल वगैरह कुछ भी बनाना है तो इनका यूज़ कर सकते हो। आगे हम चलते हैं, आपका ये वाला है, इसमें आपका हाईलाइट कलर है। हाईलाइट कलर क्या काम में आता है, जैसे किसी लाइन को आपको हाईलाइट करना है, इतना सा आपको हाईलाइट करना है, सिलेक्ट कीजिए, देन आप यहाँ से हाईलाइट किसी भी कलर में कर सकते हैं। अगर आपको हाईलाइट कलर हटाना हो तो देन आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर हाईलाइट में जाएंगे, यहाँ पर इस पर के बराबर में छोटा सा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप नो कलर कर देंगे तो ये हाईलाइट हट जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका ये वाला है फॉन्ट कलर, जो कि आपके टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर को बदलता है, जो आपने लिख रखा है उस कलर को बदल देता है। अगर आपको हटाना हो तो इसमें जाइए आप और यहाँ से ऑटोमेटिक कर लीजिए, ब्लैक कलर में वापस हो जाएगा। वापस मैं एक बार सारे जो है ऑप्शंस को रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, आप ध्यान से समझना। फॉन्ट जो कि लिखने की स्टाइल को बदलता है, साइज जो कि फॉन्ट का लिखा हुआ आकार बढ़ाने कम करने के काम में आता है, यह आपका ग्रो और श्रिंक फॉन्ट है, फॉन्ट साइज बढ़ाने और कम करने के काम में आता है। चेंज केस में आप अपर लोअर केस इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल्ड में आप डार्क कर सकते हैं, इटैलिक में तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं आप, सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, इतने प्रकार के आप चेंजेस इसमें लगा सकते हैं। ये जो आपने चेंजेस लगाएं, इन सारे चेंजेस से आप पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाना चाहते हैं, सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहें तो आप सेलेक्ट करें, देन आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ इसकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग हटाना, ठीक है, फॉर्मेटिंग को साफ करना, ठीक है। ये था अपना सारे ऑप्शंस के बारे में सीखना। अब इनमें भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, इनके अलावा कुछ ऑप्शंस और वो हैं
कुछ और ऑप्शंस के बारे में हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है ये वाला, इसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो एक्सपर्ट वर्ड सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे ना कि आप नॉर्मल सीखेंगे, आपको सारी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ें करना आएगा। कैसे करेंगे देखिए, इसमें आप जाएंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट है, ठीक है, कौन सा फॉन्ट आपने रखा है, फॉन्ट का बॉडी देन इधर बोल्ड इटैलिक फॉन्ट का स्टाइल है, कौन सा लेना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक रेगुलर कोई सा भी ले सकते हैं, साइज कितना लेना चाहते हो वही सारे ऑप्शंस हैं। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में आप देखिए रेगुलर हो रखा है, अभी इटैलिक बोल्ड भी कर सकते हो, साइज आप चेंज कर सकते हो। देन आपके आपका यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आ रहा है, फॉन्ट का कलर आपने अभी ऑटोमेटिक कलर रखा है ब्लैक। अंडरलाइन का स्टाइल है, जैसे डबल अंडरलाइन करना हो डबल अंडरलाइन कर लो, अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन से जैसा भी अंडरलाइन आपको चाहिए कर सकते हो। अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे रेड कलर करना है आप देखेंगे रेड कलर हो जाएगा अंडरलाइन पर, और डबल अंडरलाइन यहाँ पर आ चुका है। इनको आप चेंज करना चाहो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अंडरलाइन में जाइए अंडरलाइन का कलर देन ब्लैक कलर कर लीजिए, और अंडरलाइन किस प्रकार के लगाएंगे, अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन है कोई सी भी ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, यहाँ से अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू यानी बीच में से काटना, ये तो आपने यहीं पे सीख लिया था। अब डबल स्ट्राइक थ्रू यानी डबल काटना, आप देखिए डबल यहाँ पर कटा हुआ है, डबल स्ट्राइक थ्रू में डबल कट जाता है, मैं एक बार अंडरलाइन रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, डबल यहाँ पर लाइनें आ गई स्ट्राइक थ्रू में। उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो हमने आते हैं, स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स और हिडन, ये सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनको हिडन कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स का यूज़ कर सकते हैं देन ऑल कैप्स का यूज़ कर सकते हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था अपना फॉन्ट से संबंधित। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगर हमें इसको हटाना है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग अपने को डिफ़ॉल्ट रूप से लगानी है कि हमेशा यही रहे, तो फिर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट चेंज करने तो इफेक्ट यहाँ से ले सकते हैं अपन, टेक्स्ट पर कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हो, सॉलिड फील करना है, ग्रेडियंट फील करना हो, जैसे ग्रेडियंट फील में क्या होता है, आप इस प्रकार का कलर लगा सकते हो टेक्स्ट पर। ठीक है, देन आप क्लोज करें एंड ओके करें, अब देखिए आपके मल्टी कलर्स इसमें लागू हो जाएंगे टेक्स्ट में। तो इस प्रकार आप हटाना हो तो अंडू कर दीजिए, वापस से रिमूव हो जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग हटानी हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिए। ये था अपना फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में हमने सीखा फॉर्मेटिंग करना। अब आपने जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई हुई है, बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, हाँ कलर लगाया हुआ है, यही सेम फॉर्मेटिंग आप नीचे वाले पैराग्राफ पर लगाना चाहते हैं, दूसरे पैराग्राफ पर, इस पैराग्राफ पर, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो जो फॉर्मेटिंग से यहाँ पर है जैसे हमने लगाई उस पर वैसे लगा दो, या फिर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके हम सेम फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम करते हैं, यदि हमने यही फॉर्मेटिंग नीचे इस पर लगानी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे यही कलर यही साइज इस पर लगानी हो, कैसे लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कितना भी कर लें आप, ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्स्ट को करें या फिर पूरा टेक्स्ट करें, कितना भी सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर जाएं, देन आपके यहाँ पर पेंट ब्रश के आकार में ये बदल जाएगा। आपका देखेंगे यहाँ पर जो माउस का पॉइंटर था वो पेंट ब्रश में चेंज हो गया है, और इसके ऊपर लाकर घुमा दीजिए, ओके ये चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएं कीबोर्ड से, देन आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएं, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब हम जानते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, देखिए पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम सबसे पहले बात करें तो बुलेट स्टाइल्स आता है, बुलेट्स होता है, जैसे आपको अलग अलग इन पैराग्राफ्स को बुलेट्स में कन्वर्ट करना हो, या फिर आपको यहाँ पर कोई चीज़ें कई चीज़ें लिखनी है अलग अलग जो कि बुलेट्स में हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने यहाँ पर लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और देन मैंने इसके बाद यहाँ पर लिखा सुपर कंप्यूटर, ठीक है सुपर कंप्यूटर, देन मैंने लिखा मिनी कंप्यूटर, मैंने उसके बाद लिखा माइक्रो कंप्यूटर, देन मैंने लिखा यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, चार प्रकार के कंप्यूटर लिखे। अब मुझे इन्हें बुलेट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, और इनको एक बेटर फॉर्मेटिंग में प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसे बुलेट्स में नहीं लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बुलेट्स हैं, जो भी आपको पसंद आए उस प्रकार का आप बुलेट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ये बुलेट लिया, इसका यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बुलेट्स नहीं लगाना चाहते, नंबर लगाना चाहते हो, तो आप इन पर नंबर लगा सकते हो, ऐसे ए बी सी वगैरह या नंबर्स आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इधर आपका आ रहा है इंडेंट, जो कि पैराग्राफ को इधर खिसकाने के काम में आता है, राइट साइड में, मतलब इंडेंट बढ़ाने के काम में आता है और ये कम करने के काम में आता है, आप इंडेंट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेफ्ट एंड
लेफ्ट इंडेंट में इंक्रीज करना यानी बढ़ाना और डिक्रीज यानी घटाना, इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट यानी इंडेंट को बढ़ाना, डिक्रीज इंडेंट यानी इंडेंट को कम करना, ठीक है। देन आता है आपका सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। दो प्रकार से हम क्रमानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को। एक तो आपका आरोही क्रम होता है असेंडिंग, और एक अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग क्रम। आरोही में तो बढ़ता हुआ क्रम होता है जैसे कि ए से जेड की तरफ, और डिसेंडिंग में उल्टा होता है जेड से ए की तरफ। तो जैसे असेंडिंग में हम जाएंगे, यहाँ से सॉर्ट में असेंडिंग क्रम आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर मेन फ्रेम सबसे पहले आ गया, फिर सेकंड में माइक्रो, फिर मिनी, फिर सुपर, ऐसे ये अलग अलग क्रम में व्यवस्थित हो गया। अगर आप दूसरे क्रम में करना चाहें तो डिसेंडिंग क्रम करें, यहाँ से डिसेंडिंग पे क्लिक करें, देन ओके करें, आप देखेंगे पहले सुपर, फिर मिनी, फिर माइक्रो, फिर मेन फ्रेम, ये हमने डिसेंडिंग क्रम में कर दिया। ऐसे असेंडिंग क्रम और डिसेंडिंग क्रम में आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट चार प्रकार के हैं। लेफ्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट होगा जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, सेंटर करोगे तो बीच में आ जाएगा, राइट करेंगे राइट साइड में अपना टेक्स्ट हो जाएगा, और जस्टिफाई में दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो जाती है। कैसे, देखिए मैं ऊपर पैराग्राफ पर आपको लेके चलता हूँ। ये पैराग्राफ है, इस पर अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड से पैराग्राफ बराबर है, राइट से बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट है। आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, इधर से भी लाइनें बराबर हो गई, इधर से भी लाइनें बराबर हो गई। मतलब कौन सा अलाइनमेंट था, जस्टिफाई अलाइनमेंट। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अपना है लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच जगह बढ़ाने और कम करने के काम में आता है। अपने आप जो लाइन स्पेसिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है 1.15, 1.15, ये डिफ़ॉल्ट होता है। और उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और भी हमें चेंज करना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाना है, देन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कितना भी। अलग अलग प्रकार का है, सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, जैसा भी यूज़ करना है कर सकते हैं, देन ओके करेंगे चेंज हो जाएगा। आगे हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग के बाद शेडिंग कलर। बैकग्राउंड में शेडिंग कलर लगाने के काम में आता है इस प्रकार, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये वाला आपका बॉर्डर है, पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हो चारों तरफ, ऑल बॉर्डर करोगे चारों तरफ लग जाएगा, हटाना हो तो सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर दो, हट भी जाएगा, वापस लगाना हो तो सिलेक्ट करके एन, यहाँ से बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर चूज करेंगे। अगर लेफ्ट में लगाना है लेफ्ट कर सकते हो, राइट बॉर्डर कर सकते हो, टॉप बॉटम, एक साइड लगाना है तो आप उस साइड लगा सकते हो, चारों तरफ लगाना है तो ऑल बॉर्डर कर सकते हो या आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हो, बीच बीच में लगाना है पैराग्राफ्स के तो इनसाइड बॉर्डर लगा सकते हो, हटाना हो तो नो बॉर्डर कर सकते हो, ऐसे हम बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला मार्क है, मार्क एंट्री क्या होता है, जहाँ जहाँ हमने एंटर किया है या पैराग्राफ को समाप्त किया है वहाँ ऐसा निशान लग जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये निशान कहाँ लग जाएगा, जहाँ से पैराग्राफ समाप्त हुआ है इस प्रकार, और जहाँ जहाँ स्पेस है उसकी जगह ऐसा डॉट आ जाएगा बीच में, ये वाला डॉट जो आप देख रहे हैं इस प्रकार, हटाएंगे तो हट जाएगा। ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने अभी तीन ग्रुप यहाँ पर सीख लिए हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। उसके बाद दो और ग्रुप हैं इसमें, स्टाइल और एडिटिंग, ये भी सीख लेते हैं। स्टाइल ग्रुप में आप देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के आप स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे आपको जैसे हेडिंग स्टाइल लेनी हो इनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे माने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इनको मैं फॉर्मेटिंग हटा देता हूं, आप यहां पर मान लो एक इस पर टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है, टाइटल देना चाहते हैं, जैसे मैं नीचे चलूं, यहां पर हमने लिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मैं इसको टाइटल देना चाहता हूं तो सिलेक्ट करूंगा, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, हेडिंग वन। आप देखेंगे ये हेडिंग है और ये नीचे जो आ रहे हैं इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको टॉपिक्स में मैंने कन्वर्ट किया। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने को हेडिंग जोड़नी है, टाइटल जोड़ना है, तो फिर हम इनका इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टाइटल लेना है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग लग जाएगा और नीचे ये सब अपना डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसी प्रकार किस किस स्टाइल्स में और बदलाव करना है, तो सेट में यहाँ से बदलाव कर लो, स्टाइल के सेट में देखिए किस प्रकार से वो लिखा आएगा, देखिए इस प्रकार टाइप ऑफ कंप्यूटर। कलर में बदलाव करना हो कलर बदलाव कर सकते हैं इधर, जैसा कि आप देख रहे हैं कलर बदल रहा है। उसके बाद फॉन्ट में बदलाव करना हो, लिखने की स्टाइल बदलेगी, जैसा भी आपको फॉन्ट चाहिए वैसा आप ले सकते हो, जो भी अच्छा आपको लगे। उसके बाद आपका फॉन्ट में स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करना हो तो स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हो, नो स्पेसिंग, कॉम्पैक्टेड, या फिर आपका टाइट, ओपन, जैसा भी आपको फॉर्म यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइल्स के अंदर। अब हम चलते हैं अपना होम टैब का जो अंतिम ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है फाइंड, और फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ। दोस्तों फाइंड का यूज़ करते हैं अपन अगर हमें डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को ढूंढना है या फिर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, तो फिर हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, फाइंड पर आप जाइए, यहाँ से डॉक्यूमेंट आप इसमें लिख दीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट शब्द ढूंढना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है।
अब नॉर्मली ये चीज़ तो आपको सभी यूट्यूबर्स ने बताया होगा या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर बताते रहते हैं कि फाइंड का यूज़ क्या करते हैं। मैं आपको एडवांस फाइंड का यूज़ करना बताता हूँ कि कैसे हम एडवांस फाइंड का यूज़ करते हैं। देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, एडवांस फाइंड आएगा, इसमें आपने लिखा डॉक्यूमेंट वर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वर्ड है। अब आपसे पूछा जाए या फिर आपको एक टास्क दिया जाए, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी आपका इंटरव्यू हो रहा है या फिर किसी प्रकार का आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है वर्ड का, आपको पूछा जाए, आपको बोला जाए कि इसमें इस डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट शब्द लिखे हुए हैं, उन सबको एक साथ बोल्ड कीजिए। तो आप एक क्या काम करेंगे, या तो एक एक को फाइंड करके बोल्ड कीजिए या फिर आप एक साथ इसे बोल्ड करें। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको फाइंड में जाना है, डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पर फाइंड इन आ रहा है, फाइंड इन, फाइंड इन मीन मेन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखे हुए हैं सारे सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद आप बोल्ड कर दीजिए यहाँ से। तो आपको लगेगा यहाँ पर कि सारे डॉक्यूमेंट सब जितने भी लिखे हुए थे वो सब बोल्ड हो गए, इटैलिक करना हो इटैलिक कर दो, अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर दो, हटाना हो तो हटा सकते हो। तो ऐसे ही इसका हम एडवांस फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस फाइंड आपको कोई नहीं बताता, सभी जो भी लोग बताते हैं वो केवल सिंपल फाइंड बताते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एडवांस फाइंड बताया। आगे हम चलते हैं रिप्लेस पर। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, जैसे डॉक्यूमेंट की जगह आप रिपोर्ट लिखना चाहते हो, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल कर दो, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ पर रिपोर्ट लिखा हुआ गया, जैसे आप ये बोल्ड हो रखा था आपने देखा यहाँ पर। वापस रिपोर्ट की जगह डॉक्यूमेंट करना हो तो ऊपर तो आप लिख दो रिपोर्ट, देन नीचे आप लिख दिए डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगी, सब जगह वापस से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। आगे हम चले यहाँ से सेलेक्ट ऑल, सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के काम में आता है। इस प्रकार हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब क्या काम में आता है, कैसे कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने सीखी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसी प्रकार के और वीडियोज़ आपके इंसर्ट पेज लेआउट सभी टॉपिक्स के एक एक करके मिलेंगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया कर रखा है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली या फिर नहीं मिली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।